डेकोरेटिव टाइल एंड मार्बल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। आज फिर हम अपने चैनल पर आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है मून सर्कल कॉम्बिनेशन डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन कैसे बनेगा, तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों ये डिज़ाइन जो है इसको हमने डबल कलर में यूज़ करना है, और आप जैसे कि अभी हमने वाइट और पिंक कलर में यूज़ किया है, तो आप इसको जैसे कि हमने पिंक किया है तो आप इसको चेंजिंग कर सकते हो, और आपको जो आपका जो फेवरेट कलर है आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसको फ्लोर में भी यूज़ कर सकते हो और वॉल पर भी यूज़ कर सकते हो, बाथरूम किचन या फ्लोर वॉल रूम में बेडरूम में आप इसको यूज़ कर सकते हो, लॉबी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और आप इसको फ्रंट पे भी डिज़ाइन बना सकते हो स्क्वायर के। जैसे कि आपने आपका जो फ्रंट है आप उसको डिज़ाइन में कुछ भी, जैसे कि हमने डबल कलर में लाइट और पिंक में हमने इसको बनाया है, और आप इसको अपने जो फेवरेट कलर है उसमें यूज़ कर सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं हमने जो यहाँ पर ये लाइन बनाई है इसकी जो लंबाई है इसको हमने 17 सेंटीमीटर की जो लाइन है ये बनाई है, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जो ये लाइन है इसका हम सेंटर करेंगे। जैसे कि हमारा जो इसका सेंटर होगा वो 8.5 सेंटीमीटर होगा, और वहाँ पर हमने निशान लगाकर गोलाई करनी है। तो हम गोलाई किस तरह करेंगे, जैसे कि हमारा जो सेंटर है 8.5 सेंटीमीटर पे हमारा जो सेंटर है यहाँ पर हमने जो अपने जो फरमा है गोलाई का वो यहाँ पर रखना है, और जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड के जो कॉर्नर हैं उसको हमने दोनों को मिलाना है, और जो इसकी हाइट है वो हमने 15 सेंटीमीटर की है, इसकी जो हाइट है हमने वो 15 सेंटीमीटर की है। और उसके बाद जो हमने फरमा जो बनाना है, पहले तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया है ये जो छोटा साइज़ है इसको हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड में मिलाना है। तो इसको हम कैसे मिलाएंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि इसकी जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर है, तो उसको हमने हाफ़ करके जो अपना फर्मा रखना है वो 7.5 सेंटीमीटर पर रखना है। तो जैसे कि हम गोलाई बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी गोलाई है वो परफेक्टली बन जाएगी। तो इसी तरह हम अभी जैसे कि गोलाई बनाएंगे, ये गोलाई बिल्कुल हमने परफेक्टली बनानी है, क्योंकि अगर हम गोलाई सही बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन सही बनेगा। और उसके बाद अभी जो हमने आपको बताया 7.5 सेंटीमीटर पर जो अभी हाइट हमने बनाई है, उसके बाद जो हमने 15 सेंटीमीटर पे जो आपको निशान लगा कर दिखाया है उस निशान से ये जो दोनों कॉर्नर है लेफ़्ट और राइट वाले, जो हाइट हमारी 15 सेंटीमीटर है तो उसको हमने मिलाना है, तीनों कॉर्नर को हमने मिलाना है यहाँ पर सेंटर में निशान लगा कर। और जैसे कि अभी हम मिला रहे हैं ये हमने मिलाना है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डिज़ाइन है वो ईज़िली बन जाएगा। तो इसी तरह हम अपने डिज़ाइन को बनाकर ये जो नीचे का जो ये हिस्सा है जो ये वेस्टेज है इसको हम कटिंग करके सिर्फ अपना फरमा ही निकालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम आप जो अपना डिज़ाइन है वो बड़ा भी बना सकते हो और छोटा भी बना सकते हो, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया है। और उसके बाद हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग कैसे करेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो ईज़िली जैसे कि अभी हमने आपको ये दिखाया है कि जो हमारा डिज़ाइन है ये ईज़िली बन जाएगा, तो इसको हम मून सर्कल कॉम्बिनेशन डिज़ाइन कहते हैं, और आप इसको साइज़ में बड़ा भी या छोटा भी कर सकते हो जैसे कि हमने आपको बताया। तो आइए कटिंग करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर निशान लगा कर जो अपना फर्मा था वो बनाया था, और उसके बाद जो हमने ये निशान लगा कर टाइल्स पे ये कटिंग करनी है। तो इसी तरह हमने 6 पीस निकाले हैं इसमें से, 3 पीस जो हैं वो पिंक कलर के हैं और 3 पीस जो हैं वो वाइट कलर के हैं। तो इसी तरह हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नई नई वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।